नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अपूर्व उत्साह एवं जोश के साथ कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने भरा नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी बोहरा के समर्थन में हुई वाहन रैली। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार तनसुख बोहरा के समर्थन में मंगलवार को अपूर्व उत्साह एवं जोश के साथ नामांकन रैली निकाली गई। पार्टी प्रत्याशी तनसुख बोहरा सहित पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में पीसीसी सदस्य हरि सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली दोपहर बाद केलवा चौपाटी से रवाना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में चार पहिया एवं दुपहिया वाहनों में कार्यकर्ता सवार थे। रैली केलवा बस स्टैंड पहुंची, जहां ग्रामवासियों ने रैली का स्वागत किया। इसके बाद रैली फोर लेन पर मोखमपुरा पसुंद मोरचना होते हुए राजनगर पहुंची। रैली में शामिल वाहनों पर कांग्रेस पार्टी की झंडी एवं स्टिकर आदि लगे थे। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सिप्पी जोशी जिंदाबाद, हमारा नाता कैसा हो, तनसुख बोहरा जैसा हो आदि नारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। राजनगर फव्वारा सर्कल पर स्वागत के बाद रैली दाणी चबूतरा, कलालवाटी, पुराना बस स्टैंड, जेके मोड़, मुखर्जी चौराहा एवं फिर वहां से जल चक्की चौराहा, साथ ही 100 फीट रोड होते हुए भिक्षु निलयम क्षेत्र में सभा स्थल पहुंची। रैली में कई बड़े पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल थे। सभा स्थल पर मंच साझा करने और अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद थे, जिन्होंने राजसमंद की जनता से तनसुख बोहरा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको बता दें, 9 अप्रैल को होने वाले इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी के तनसुख बोहरा व भाजपा की दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी के बीच है। राजनीतिक गलियारों में मुकाबला कड़ा होने की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि एक तरफ एक प्रत्याशी है जो क्षेत्र के बड़े भामाशाह के रूप में सालों से समाज सेवा में अग्रणी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सिटिंग विधायक की पुत्री है, जिन्हें अपनी माँ के गुजरने से जनता की सहानुभूति मिलने के आसार है। फिर भी राजनीतिक पंडित इस सीट पर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी तनसुख बोहरा की जीत होने का विश्वास जता रहे हैं। कांग्रेस आला कमान ने भी इस सीट पर जीत हासिल करने की अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सेफ न्यूज लाइव के लिए राजसमंद से मनीष गांग की स्पेशल रिपोर्ट। तमाम चीजों में रियायतें देते हुए बजट दिया और उसके साथ साथ ये कहा कि आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार का किसान के लिए कृषि का अलग से बजट देंगे। जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, मैं समझता हूँ विश्व में नहीं, हिंदुस्तान में, विश्व में कहीं भी इस प्रकार का कोई स्टेट आपको नहीं मिलेगा कि स्वास्थ्य बीमा योजना जिस प्रकार की राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पेश की। जिंदाबाद कांग्रेस, जिंदाबाद 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 कांग्रेस, जिंदाबाद। किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चालें चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा फेंके और हर निर्धन को चलते कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो, अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे, सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए। हो उन्नति हो, हो प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।